about then 5.2 meters? 5.2. इसमें भी मैं 10 सवाल है, 1, 3, 5, 7, 9 जो ऑड नंबर। पहला सवाल है जी, x4 + 60। अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं कि दो टर्म्स हैं, ये इनमें से किसी के साथ मैच नहीं हो रहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो दो टर्म्स तो किसी एक टर्म में इक्वेशन में है और इनके साथ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस है। अब इनमें इस एक्सरसाइज में क्या हमने करना है, इनको फैक्टराइज करने के लिए कुछ टर्म्स हमने ऐड करने हैं, ठीक है, वो हम प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे, ताकि मतलब है जो हमारा एक्सप्रेशन है वो बैलेंस्ड है, उसी तरह रहे जैसे था, क्योंकि प्लस हो रही है माइनस भी हो रही है तो फर्क नहीं पड़ता उसमें, ठीक है। अब मैं यहाँ प्लस वन माइनस वन करूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस वन और माइनस वन जीरो। तो अगर मैं एक चीज़ प्लस भी कर रहा हूँ माइनस भी कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं कोई इजाफी इसमें कोई चीज़ अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो इसकी टेक्निक यह है कि कुछ प्लस भी करना है वही चीज़ माइनस भी करना है, ताकि इस सब पे कोई एक्सप्रेशन हमारे पास आए और उसको फिर आगे हम फैक्टराइज कर सकें, ठीक है। अगर आप क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, तो सिंपल इसको हम स्क्वायर करेंगे सारे टर्म्स को, ठीक है। तो x² का स्क्वायर इज x4 और 8 का स्क्वायर इज 64, तो a² + b² सब जो हमारे पास आ गए। अब हमें एक प्लस 2ab चाहिए, तो प्लस 2 ये a और ये b है, x² × 8 ये तो 2ab आ गया, इसको हमें माइनस भी करना है, -2x² a। तो ये वो प्लस वन माइनस वन जो मैं आपको यहाँ बता रहा था, ये भी चीज़ हम प्लस करेंगे उसको माइनस भी करेंगे, ये प्लस भी हो गया माइनस भी। और क्या चीज प्लस माइनस कर रही है वो हमने देखना है जनाब, ये a² है ये b² है, तो हमें 2ab चाहिए या -2ab चाहिए, ताकि हमारे पास इस तरह के एक्सप्रेशन आ जाए। अब इसको हम देखते हैं जनाब, तो ये हमारे पास a² + b² + 2ab, तो ये तो हमारे पास बराबर है a² + b² x² + a², ठीक है जी। रह गया हमारे पास ये, तो ये है 16x², ठीक है, 16x², अब हमारे पास दो टर्म्स हैं और दो टर्म्स हैं, माइनस का साइन है, तो ये इस जैसा लग रहा है, ठीक है जी। ये a है हमारे पास x² + 8 और 16x को हमने स्क्वायर बनाना है, एक ही टर्म हो और सारी होल स्क्वायर, ये जी a² माइनस, आपको पता है कि 16 जो है ये असल में 4² है, 4x का होल स्क्वायर हम लेंगे, दैट इज इक्वल टू 16x², ये अब आ गया जी a², ये a² - b² और दे ये बराबर है a - b a + b, x² + 8a - b और x² + 8 + a + b a - b, ठीक है जी। हाँ जनाब, ये टर्म्स आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब है कि इसको हम ऐसे लिखें या कोई भी इनके अरेंजमेंट कर दें, या इसको इधर लिखें इसको उधर लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, a² + a² + b² क्वेश्चन मैं इसलिए सॉल्व नहीं करूंगा कि एग्जांपल 8 में एग्जैक्टली यही सवाल मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। और ये कैसे सॉल्व किया होगा मैंने आपको अभी बताया शुरू में इस एक्सरसाइज के, कि यहाँ एक टर्म प्लस करनी है और इसमें हमको माइनस भी करना है, तब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पर इन्होंने a² b² प्लस किया है और a² b² माइनस भी किया है, क्योंकि अब आप कहेंगे कि तीन टर्म्स तो हैं लेकिन
ये जनाब टू नहीं है, ठीक है, तो वो टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर लाने के लिए उन्होंने प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर किया और प्लस जो करेंगे आप तो माइनस बी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है जी, ताकि आपका एक्सप्रेशन वही रहे। तो ये सिंपल इन्होंने ये काम किया, चले कर ही लेते हैं, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हो गया जनाब प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये एक काम हमारे पास रह गया, ठीक है। अब ये दोनों प्लस ही टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर आया, इससे ये आया और इससे ये आया। अब ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन की तरह है, ए स्क्वायर हमारा ए है, बी स्क्वायर इस इक्वेशन के मुताबिक बी है और ये बराबर है जनाब ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, ये सारा इसके बराबर है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, ठीक है, और इसके साथ मैच करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपका ए, इसके मुताबिक आपका ये ए बनता है ए स्क्वायर, ये सारा ए स्क्वायर माइनस ये इसको आप ए बी होल स्क्वायर करें, ये आपका बी स्क्वायर है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी हो गया। अब आते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव एक्स एट प्लस एक्स फोर प्लस वन, ठीक है, इसको आप स्क्वायर करेंगे तो जी एक्स स्क्वायर एक्स फोर का आप स्क्वायर लेंगे प्लस इसको भी आप स्क्वायर कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ गए, यहाँ पर हमें टू ए बी चाहिए, है जी, ए तो यहाँ पे आ गया एक्स फोर, बी आ गया हमारे पास वन और टू हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ टू है यहाँ टू नहीं है और वी नीड दिस टू, ठीक है जी, इसके लिए हम क्या करते हैं प्लस एक्स फोर माइनस एक्स फोर, एक्स फोर प्लस एक्स फोर टू एक्स फोर आ गया और ये माइनस एक्स फोर मैंने इसके साथ बात देखी, ठीक है, ये हमारा ये वाली इक्वेशन आइडेंटिटी मैच करती है उसके साथ, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कैसे पॉसिबल हुआ प्लस एक्स फोर माइनस एक्स फोर इसके साथ ऐड करें, इसको तो आप ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर ये है टू ए बी ए प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर, ठीक है, अब फिर आप इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, अब ये आप देखिए दो टर्म्स हैं और ये इसके साथ मैच कर रहे हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल ए माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, फैक्टराइजेशन इसके हो गए। तो मैंने देखा तो इन्होंने मजीद इसको आगे सॉल्व किया, ठीक है, इसके साथ मजीद हम क्या कर सकते हैं, ये किसी तरह का एक्सप्रेशन है जैसे ये, ठीक है जी, तो आप इसमें ये तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर हो गया प्लस वन का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आप इसमें
plus x square or minus x square, क्या हमारे पास आ गया था टू एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी आ गया आपके पास यहाँ तक के एक्सप्रेशन, ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर किस चीज के लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साथ में ये माइनस एक्स। अब ये हो गया दिमाग आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर किसके होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, ठीक है। ये जो टर्म थी हमारे पास बी
पूर्ण स्क्वायर, ठीक है, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, और ये माइनस 14 का स्क्वायर हम लेते हैं 4 स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 16 जो है ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर। अब ये दो टर्म्स आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर है माइनस बी ए प्लस, तो ये ए माइनस बी ए प्लस, ठीक है, मैं जो लिख रहा हूँ ए ए का हमारे पास बी माइनस बी इंटू ए प्लस, ठीक है, ये आपका आंसर। अच्छा जी, अब हमारे पास तीन टर्म्स हैं और ये तीन टर्म है जिस तरह की कोई आइडेंटिटी लग रही है, लेकिन अब देखते हैं कि ये इसका स्क्वायर लेते हैं जनाब, तो ये हो जाएगा 4m² का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, m² का स्क्वायर 24, ये स्क्वायर तो हमारे पास है, स्क्वायर भी आ गया, अब हमें 2ab चाहिए, 2a क्या है 4m² और b क्या है n², ये तो आता है 8m² और हमारे पास है 4m², तो एक और 4m² हमें चाहिए ताकि इसको हम 8m² बनाएं और ये जनाब इस तरह बन जाए, इसको हमने ऐड भी करना है और इस चीज को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ओवरऑल एक्सप्रेशन तो वही रहे तो पहले की दी हुई है, अब ये जनाब प्लस हुआ तो ये तो आगे हमारे पास काम भी एक अंश हो जाए, ठीक है। कुछ ऐड करना है वही सब्जेक्ट, ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे।